अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी आज का छोटा मोटा सा व्लॉग है जी, आज मैं बना शेयर करने वाली हूँ आप लोग उसके साथ में बैंगन की रेसिपी, जो कि बहुत बहुत इजी है और बहुत टेस्टी बनने वाला है और मेरे घर में सभी को मेरे हाथ की ये रेसिपी पसंद है। तो जी इसके साथ साथ छोटी सी एक यासीन शरीफ हो रही है हमारे घर पर, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दूँ। ये चीज़ें भी शेयर करनी चाहिए, तभी तो लोग देख कर चीज़ करते हैं। और साथ मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना कि उसकी भी छोटी मोटी आप लोगों को क्लिप दिखाऊंगी और चले मज़ा आएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है और बाकी की वीडियो देख करके जाना है। ये मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बोल दिया क्योंकि नई यूट्यूबर हूँ ना, क्या पता आप लास्ट तक ना देखें। और कोई बात नहीं, मैं सब्र करूँगी इंशाल्लाह, आप लोग बस सपोर्ट करें देर से सही। तो या चले, तो जी यहाँ बना रही हूँ मैं बैंगन। ये रहे हमारे बैंगन, ये रहे पानी, जो कि बैंगन को चॉप करके मैं पानी में डालती रहूँगी क्योंकि बैंगन अगर हम पानी में नहीं डालते तो काले हो जाते हैं। आगे इसकी रेसिपी बहुत बढ़िया है, आप लोग इजी से बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। मुझे लगता है मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ और घर में भी सभी को अच्छे लगते हैं। साथ में अरबी भी बना रही हूँ, लेकिन वो मैं मम्मी से बनवाऊँगी क्योंकि मुझसे नहीं बनती है और ना ही मज़ा आता है। देखो जी पूरी रेसिपी मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा, आप लोग तो छोटे व्लॉग नहीं देख रहे हो क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ। कोई बात नहीं, ओके, हर चीज़ में टाइम लगता है, मैंने सब्र कर रखा है, मेहनत करूँगी। तो मैं अपनी मुँह ज़ुबानी आपको रेसिपी बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको ना तेल में ना ज़ीरा डाल लेना है, मेथी डाल लेनी है और उसके बाद आपको बैंगन डाल लेना है, उसको ब्राउन सा हल्का सा कर लें और उसके बाद ना आपने सारी सब्ज़ियाँ डाल देनी है। और यहाँ मैं बनाने लगी थी जी रोटी, क्योंकि मैंने सोचा था कि इतने सब चीज़ें मैं काश चॉप वगैरह करके रखूँ तो मैं रोटी बना कर रख देती हूँ, रोटी डाल लेती हूँ क्योंकि मुझे रोटी डालने का बहुत भारी काम लगता है। तो इस वजह से हाथ देखिए आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, इसी बात सब्सक्राइब कर दें। तो उसके बाद आपने जो मैंने आपको रेसिपी बताई है अभी हाफ है, तो उसमें आपने क्या करना है कि मसाले डाल लेने, एक चम्मच नमक, एक चम्मच मिर्च और दो अमचूर की भाग, अगर वो नहीं है तो अचार भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपके घर में कोई भी पनीर मसाला या चाट मसाला जो भी है थोड़ा बहुत डाल लें और उसके बाद उसमें पानी डाल करके ना धीमी आँच पर पकाएं। देखिए जैसे हमें सबको नॉर्मली पता है कि कढ़ी बनती है स्लो पे, तो इसी तरीके से बैंगन भी स्लो पे बनते हैं और बासी से भूख के थोड़े खाएँ ना तो बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ जी मैं रोटी में बहने रोटी ना मेरी माजा चाहती हूँ कि कच्ची दिख रही है और ये थी ही दिख नहीं रही थी, मेरी बहन ने जल्दी लगा रखी थी कि आप जल्दी करो जल्दी करो मुझे बाहर जाना है। मैंने कहा भाई सब्र करो रुको। तो मम्मी तुमने बताया क्यों नहीं था? तेरा मुंह कर रही थी, मैं वहाँ छील रही थी, काट रही थी। तो मैं टाइम देख लेती हूँ, टाइम हो रहा है 1:50। मेरी आदत है टाइम देखने की, मैं हमेशा अपने पास एक और मोबाइल रखती हूँ देखने के लिए, ऐसी है बस। ऑलमोस्ट मेरा सब खाना रेडी है, अरबी भी बना ली है और बैंगन भी बना लिया है। अरबी का गुस्सा तो आपने देख लिया। पापा को आने में टाइम था तो मैंने सोचा चलो मैं मैंगो ही खा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर मैंगो इस तरह से देख रही थी कि मुझे थोड़ा सा भी पिचका हुआ नहीं चाहिए, और बाहर तक हम सामान लेने के लिए मम्मी भेज देती है तो हमसे देखा नहीं जाता। तो मम्मी कहती है कि ससुराल में जाके यही करना, सुनो ही करोगी ये वो, तो घर में नहीं चलता, लेकिन हम घर में हमारी आँखें बहुत बड़ी बड़ी खुली रहती है। वैसे कि आप लोग भी ऐसे करते हैं, अगर करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कुछ बहुत ज़रूरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, लड़कियाँ नहीं जाती हैं यासीन शरीफ या कुछ भी चीज़ें होती हैं, लेकिन शादी में चली आएंगी, किसी के झगड़े हो रहे हैं वो देख लेंगे घर से बाहर निकल के, लेकिन इन काम के लिए भी नहीं जाना चाहिए, फिर कौन कराएगा यार, जाया करो। अब इनका नाश्ता कराया था, अच्छा लगता है थोड़ा बहुत बच्चों को भी।
यहाँ जी मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, मतलब बहुत अच्छा यार, ये मौसम ना बहुत अच्छी अच्छी ना यादें लाता है। और बस यहाँ मैं मौसम का ही मज़ा ले रही थी, और बारिश का मैं इसलिए नहीं दिखा पाई, थोड़ा सा यार मुझे डर लग रहा था मोबाइल ख़राब ना हो जाए, तो इस वजह से मैंने बारिश का नहीं दिखा पाई थी, मैं सॉरी। इसके बाद मेरी बहुत लड़ाई हुई बहन से। चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, जल्दी जल्दी सपोर्ट करें दोनों चैनल पे, इंशाल्लाह आपको